फातिमा गोलीकांड की 28वीं वर्षी पर राज्य आंदोलनकारी संगठन और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी संगठन ने गोलीकांड में शहीदों को याद किया। साथ ही राज्य आंदोलनकारी संगठन ने खटीमा गोलीकांड में शहीदों को उत्तराखंड रत्न घोषित करने की मांग की और सरकारी विकास योजनाओं के नाम शहीदों के नाम पर रखने की बात कही है। वहीं भर्ती घोटाले पर सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई है। खटीमा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो खटीमा में 1 सितंबर 1994 को शहीद हुए थे राज्य आंदोलनकारी, उनकी 28वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे हैं और उनको याद करते हुए श्रद्धा सुमन देते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और आज के ही प्रकरण की नहीं। हम कह रहे कि 9 नवंबर 2000 के दिन जिस दिन ये राज्य बना उस दिन से लेकर आज तक की जितनी सारी भर्तियां हुई हैं, वो चाहे विधानसभा की भर्ती हुई हो, वो चाहे सचिवालय की भर्ती हुई हो, शिक्षकों की हो, पटवारी की हो, पुलिस की हो, दरोगा की हो, तमाम जो मेडिकल में, कोऑपरेटिव बैंक में, जो तमाम जो पिछले दरवाजे से जो भर्तियां हुई हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए।